खबरें आ रही है। सत्येंद्र, क्या आपके पास जानकारी कि मंच भी टूटने की खबर सामने आई है? देखिए, ये जैसे कि अभी तस्वीरें बिल्कुल ठीक सामने हैं, अभी अभी ये वाकया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मंच टूटा है, बिल्कुल ये देखिए तस्वीरें, अभी आपने देखा कि किस तरह से मंच एकदम से टूट कर गिर गई। भारी भीड़ है यहाँ पर, राकेश टिकैत, बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये जींद में कार्यक्रम चल रहा था, महापंचायत यहां पर हो रही थी, एक बड़ा सा मंच जिसमें राकेश टिकैत मौजूद थे, तमाम जो बड़े नेता वहां पर हैं खाप पंचायतों के, वो वहां पर मौजूद थे, और उसी बीच एकाएक धड़ाम से नीचे ये पूरा का पूरा मंच जो है वो गिर गया। और हमारे संवाददाता सत्येंद्र, जैसा कि बता रहे हैं कि जितनी उम्मीद थी यहाँ पर लोगों के जुटने की, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की जुटी है। सत्येंद्र, आप ये बताएं कि क्या मंच पर, ये देखिए एकाएक कैसे एकदम से धड़ाम से ये पूरा का पूरा मंच यहाँ गिर गया, जितने नेता थे और एकदम से आप देखिए पलक झपकते ये सभी नीचे गिर गए, और बार बार राकेश टिकैत बोल भी रहे थे लोगों को कि आप हटे। यहाँ सत्येंद्र, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़, क्या लोग ज्यादा मंच पे चढ़ गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको पहले थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जिस दिन राकेश टिकैत ने जो भावुक अपील की थी, कैमरे पर रोए थे, तो सबसे पहला रिएक्शन इसी गांव में कंडेला में हुआ था, और यहां पर चंडीगढ़ के जो जींद जाने वाला हाईवे है इसको ब्लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा रात में ही हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं किसानों का एक एपिक सेंटर है जींद कंडेला, और यहाँ पर पहले भी जो किसान आंदोलन हुए हैं, यहाँ पर कई लोगों की गोली लगने से मौत हुई है, और किसान आंदोलन के रूप में कंडेला को जाना जाता है। और अब जब ये इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें कंडेला के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है, और कंडेला के लोगों ने ही सबसे पहले सारी छापों को बुलाया था, और उसके बाद आस पास के पूरे हरियाणा के किसान नेताओं को बुलाया था, और उम्मीद ये नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जैसे कि दृश्य आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग, यानी कि ये जो ग्राउंड है ये कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया है, और ये वो लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं दी गई है, जिनको बुलाया नहीं गया है, बिना बुलाए यहाँ पर आए हैं। और राकेश टिकैत का आप देख सकते हैं, जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे सत्येंद्र, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा, उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे, जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है, जब राजा डरता है कटिल्लेदार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए, किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार से भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पर भी गाड़ी गई थी, कहा है किले का गेट, उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको, लेकर जाए आप पंचायत के लोग लेकर जाएंगे, सोरम के अंदर लेकर जाएंगे, जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे, वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था, उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया भागी कि उनको लेकर जाएंगे, और सोरम के सुपाल में उनको रखेंगे, उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर को ये जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं, हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो, हमारा जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो, ना कमेटी के सरपंच